वेल, अभी तो एक और थ्रिलिंग सीन बाकी है जिसमें आएगी कशमाला, जिसे भेज दिया जाएगा एट द एंड पागल खाने। तो उस टाइम पर सरफराज और कशमाला, ये दोनों की कुछ मिली भगत, कुछ मिली प्लानिंग होगी। तो इस बार तो सरफराज आई थिंक बच जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरफराज के पेरेंट्स हैं वो जो है वो दुआ से माफी मांगेंगे, अपनी बहू को मनाएंगे और उसे ले आएंगे। कुछ इस तरह से इस ड्रामे को अभी भी थोड़ा सा खींचा जाएगा जैसा कि मुझे लग रहा है। अगर मैं सही हुई तो लेट्स सी, जो कि मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे इन्होंने सडन फिजा को सब कुछ बता दिया जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट आफ्टर दिस कशमाला को जब सब पता चल जाएगा तो कशमाला जो है वो सरफराज के साथ मिलकर अगेन प्लानिंग्स करेगी दुआ के खिलाफ, दुआ को मारने के खिलाफ। तो दुआ मर जाएगी तो जर्सी बात है नौशेरवा जो है वो उसके फैमिली वगैरह सबको छोड़ ही देगा, यही उनकी सोच होगी। इसीलिए सरफराज भी उसका साथ देगा ताकि वो फिजा को फिर से कंट्रोल कर सके, ताकि वो अपनी बहन की शय पर फिर से उसके सामने ना आए। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई जो है वो कभी भी नहीं चल पाती है आगे, और सच्चाई जो है वो चाहे टेढ़ी चले, लंगड़ी चले, चाहे स्लो चले, बट एट द एंड वो एग्जिट पॉइंट पर पहुंचती है, आगे वही होती है। तो यही सीन हम इसमें लास्ट में देखेंगे और बहुत ही कमाल की एंडिंग इसकी होने वाली है। आप सबको बहुत मजा आने वाला है और जाने सर के फैंस एक बार फिर से ड्रामे की एंडिंग के बाद उसे बहुत मिस करने वाले हैं। और सोन हम हिबा बुखारी एंड दानिश तैमूर के नए ड्रामे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि दोबारा वो लोग हमें किस ड्रामे में नजर आते हैं। करंटली तो दानिश तैमूर इस वक्त तेरी छाव में है, बट उसमें उनकी केमिस्ट्री इतनी हमें अच्छी नहीं लग रही जितनी उनकी हिबा के साथ है। और हिबा वैसे सालार जो शहरियार मुनव्वर है उनके साथ भी नो डाउट बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। हिबा है ही ऐसी, कुछ उनकी आईज में ऐसी बात है या क्या है। मैं पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ उनको। एंड एक ये है एंड इकराजीज, ये दोनों मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं, ड्रामा एक्ट्रेस, और मुझे इनकी सीरियल्स बहुत पसंद है। तो कमेंट में आप लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में ज़रूर बताइएगा, उनका नाम लिखिएगा। तो होपफुली मैं ट्राई करूँगी कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ डिटेल्स, कुछ ना कुछ बातें आपको ज़रूर बताऊँ। ओके जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।